लगता है कविता ही हमें बचा पाएगी, शब्द ही हथेलियों पर गुलाब बन खिलेंगे, कविता मुझे ही नहीं हम सबको बचाएगी। तुम्हारा फोन आया है। कुमार विश्वास की ये कविता अकेलेपन की ऊब से उपजी बहुत ही आशावादी कविता है, और मैं जब भी निराश फील करता हूँ या फिर मुझे नाउम्मीदी दिखाई देती है तो मैं ये कविता पढ़ लेता हूँ या फिर कुमार विश्वास को यूट्यूब पे देख लेता हूँ। और आजकल बहुत अकेलापन है लोगों के बीच, तो मैं ये कविता आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी अकेलेपन में इस कविता को गुनगुना सकें और अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी देख सकें। अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी याहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों में एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। सदी का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में, मेरी आवाज से जागे तुम्हारे बामुदर जैसे, ये नामुमकिन सी हसरत है ख्याली है मगर जैसे, बड़ी नाकामियों के बाद हिम्मत की लहर जैसे, बड़ी बेचैनियों के बाद राहत का प्रहर जैसे, बड़ी गुमनामियों के बाद शोहरत की मेहर जैसे, सुबह और शाम को साधे हुए एक दोपहर जैसे, बड़े उनवान को बांधे हुए छोटी पहर जैसे, नई दुल्हन के शर्माते हुए शामो शहर जैसे। हथेली पर रची मेहंदी अचानक मुस्कुराई है, मेरी आंखों में आंसू का सितारा जगमगाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है।